हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डबल ग्रामर डोज पर। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सिखाता हूं, बेसिक टू एडवांस लेवल की। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, हर कोई इंग्लिश बोलना चाहता है, मगर होता क्या है, जब भी कोई हमसे इंग्लिश में बात करना चाहता है या जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, हम बस दो चार सेंटेंस ही बोल पाते हैं, उसके बाद हम हिंदी में बात करने लगते हैं। ऐसा ये क्यों होता है? आखिर हम अच्छी तरह इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरी बात मानोगे जो इस वीडियो में आपके लिए बताऊँगा, अगर आपने उस बात को फॉलो किया तो इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, हम उसको अफर्मेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाते हैं। अगर आप किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर बनाना सीख जाते हो या सीख जाओगे, तो इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश बात करना चाहते हैं, हम कई बार अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं, हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने नहीं आते हैं, या हम गलती कर लेते हैं। ठीक है, या हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने नहीं आते हैं, या हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या कभी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ों में हम गलतियां कर देते हैं, या हम प्रीपोजिशन गलत लगा देते हैं, या कोई कंजक्शन गलत यूज कर लेते हैं, तो चीज़ें क्या होती हैं, गलत हो जाती हैं। अगर हमें अच्छी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाता है तो हम गलतियाँ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हो तो इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी। अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपकी तरह यंग हूँ और कोशिश करता हूँ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सिखाता रहूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल की। आप मेरे चैनल पर हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू इंग्लिश आप सीख सकते हो इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डबल ग्रामर डोज। बाय, सी यू।